हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशेष एकेडमी। और आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, यदि अगर आप यूट्यूब में नए क्रिएटर हैं या आप यूट्यूब में आपको जो है अपने सब्सक्राइब काउंट की जानकारी नहीं है, जैसे कि आपको सपोज़ मैं एक उदाहरण बता दूं, जैसे कि आप चाह रहे हैं कि मेरे सब्सक्राइबर कम है लेकिन वीडियो कॉन्टेंट अच्छा है, मेरे जितने भी वीडियो हैं उनमें मेरे जो व्यू आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम है। इस स्थिति में क्या होता है, थोड़ी से चैनल में थोड़ा सा प्रॉब्लमें आ जाती हैं। क्या है, आदमी जो होते हैं, जो अपनी ऑडियंस रहती है, वो ज़्यादातर ये देखती है कि सब्सक्राइबर किसके ज़्यादा हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, ये सारी चीज़ें देखती हुए उस चैनल को विजिट करती है। तो हम जो है क्या करेंगे, अपने मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं उनको कैसे हाइड करके रखा हूँ। और आप भी इस ट्रिक का यूज़ करके इस ऑप्शन के माध्यम से अपने चैनल के जितने भी सब्सक्राइब हैं सबको हाइड करके रख लेंगे। तो मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले चल रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे मैं किस ऑप्शन के माध्यम से अपने सब्सक्राइब काउंट जो है हाइड करके रखा हुआ हूँ। तो यहाँ पे मैं ओपन करूँगा गूगल क्रोम, और गूगल क्रोम में जैसे ही ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा जो चैनल पेज है वह ओपन हो जाता है। और इसी चैनल पेज में मेरे को दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला ऑप्शन मिलता है कस्टमाइजेशन चैनल और दूसरा मिलता है मैनेज वीडियो वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं कस्टमाइजेशन चैनल पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो मेरे यूट्यूब स्टूडियो जो क्रोम वाला स्टूडियो है उसका पेज ओपन हो जाता है। वहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहला वाला ऑप्शन आपको डैशबोर्ड का हो गया, उसके बाद वीडियो कंटेंट का हो गया, एनालिटिक्स हो गया, कमेंट हो गई, ऐसे करके ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं। और उन्हीं ऑप्शन के जस्ट नीचे वाले मेन्यू बार में आप देखेंगे आपको सेटिंग वाला ऑप्शन दिखता है। तो उस सेटिंग वाले ऑप्शन पे मैं आपको क्लिक करके बताऊंगा। जैसे मैं सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो सेटिंग का जो पेज रहता है, जैसे कि उसमें जितने सारे ऑप्शन रहते हैं, पहला हो गया जैसे कि जर्नल हो गया, चैनल हो गया, अपलोड डिफ़ॉल्ट हो गया, परमिशन हो गया, तो यहाँ पे आप चैनल वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको तीन फीचर देखने को मिलते हैं। पहला मिलता है बेसिक इन्फो, दूसरा है एडवांस और तीसरा मिलता है फीचर। तो आप एडवांस सेटिंग वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसके जितने भी ऑप्शन रहते हैं वो ओपन हो जाते हैं। उन्हीं ऑप्शन में आपको एक मिलता है सब्सक्राइबर काउंट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिसेबल द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब माय चैनल, यानी कि अभी मेरे चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं वो क्या है, हाइड है, उसको अभी मैं डिसेबल करके रखा हूँ। यदि अगर यहाँ पे ये जो आपको प्लस वाला निशान दिख रहा है, इस निशान पे मैं जैसे क्लिक करूँगा, राइट का निशान जो लग जाएगा, तो वहाँ पे मेरे जो सब्सक्राइबर थे वो मेरे चैनल में शो होना चालू जाएंगे, इसके पहले अभी हाइड थे। तो आप भी अपने चैनल के सब्सक्राइबर इसी ऑप्शन के माध्यम से सब्सक्राइब हाइड भी कर सकते हैं और शो भी करा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और यदि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।